स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आज मैं बात करूंगा उद्धव ठाकरे और अमित शाह की बातचीत को लेकर। जी हां, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले बीजेपी की जिस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि अगर मैं पीएम मोदी की बात करता हूं, मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की बात करता हूं, तो अभी तक जनता का जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है वो कुछ खास नहीं है। जी हाँ, और ऐसे में अब बीजेपी के पास वक्त बहुत कम बचा है और कोशिश उनकी ये पूरी है कि आखिरकार कैसे सत्ता में वापस दोबारा आया जाए। और जिस तरह की अगर मैं बात करूं अमित शाह की, तो अमित शाह को रणनीतिकार बताया जाता है और जो रणनीतियां वो बनाते हैं वो कभी विफल साबित नहीं होती हैं। लेकिन अब ये तो देखना होगा आगे कि क्या रणनीतियां वो बनाते हैं और उनकी रणनीति से कितना फायदा होगा। देखिए, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और वो रिपोर्ट्स में से कुछ जानकारियां मैं आपको बताता हूँ। अमित शाह और उद्धव ठाकरे की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का राज क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनकी जो मुलाकात है, मुलाकात का राज। देखिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदारी, इन दो पार्टियों में पिछले 2-3 सालों से जारी तू-तू मैं-मैं का अंत शिव राज्याभिषेक के दिन हुआ, जब भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना के गढ़ मातोश्री पहुंचे। शाह ने मातोश्री में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बंद कमरे में चर्चा भी की, लेकिन इस चर्चा के विस्तृत जानकारी बाहर नहीं आने के कारण बातचीत को लेकर रहस्य बना हुआ। यानी कि खुलकर बात सामने नहीं आई कि आखिरकार दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई। लेकिन यह बताया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और वो ये नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे जो है गठबंधन तोड़ दे, क्योंकि जिस तरह से आए दिन देखने को मिलता है कि शिवसेना हमेशा से बीजेपी के खिलाफ बोलती आई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभी भी ना तो मोदी सरकार के कामकाज को लेकर उद्धव ठाकरे ने तारीफ की है और ना ही और किसी बात पर उन्होंने बीजेपी की तारीफ की है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह का जिस तरह से मुलाकात करना है उद्धव ठाकरे का, ये कहीं ना कहीं दोनों की मुलाकात हो सकता है आने वाले चुनाव में कुछ बड़ा असर देखने को मिले। देखिए, आपको मैं जानकारी ये बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले जब अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, बकायदा उद्धव ठाकरे अमित शाह का आवभगत बहुत तरीके से किया था, स्वागत किया था, उन्होंने अपने घर पर उन्हें खाना खिलाया और तमाम तरीके की जो है उनके बीच में बातचीत हुई। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये इस बात से अभी पर्दा नहीं उठाए, लेकिन इन बातचीत से एक बात तो तय ये मानी जा रही है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों की बातचीत से कोई बड़ा फायदा जरूर हो सकता है। आपको मैं कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूं कि देखिए 2019 की, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, एक तरफ विपक्षी पार्टियां तमाम तरह की कोशिश कर रही है कि आखिरकार चुनाव कैसे जीता जाए, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, वहीं एक तरफ मोदी सरकार अकेले, और सबसे बड़ी बात है कि जनता का समर्थन भी अब बहुत कम मोदी सरकार को मिल रहा है। अब ऐसे में यह भी कह सकते हैं कि मोदी लहर अब धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। 2014 में जो रिस्पांस देखने को मिला था मोदी सरकार का, मोदी लहर देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस तरह से स्थिति अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूं, जैसे कई राज्यों में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव है, अगर मैं कर्नाटक की तरफ आपको ले चलता हूं, तो वहां पर भी देखिए जिस तरह से बीजेपी का रिस्पांस देखने को मिला वो कुछ खास नहीं था। हालांकि पीएम मोदी वहां पर रैली करने गए थे, रैली उन्होंने की थी, लेकिन उन रैली का काफी कुछ असर ज्यादा देखने को नहीं मिला और आखिरकार ये हुआ कि बीजेपी को वहां से निराशा का हाथ जो है उनके हाथ निराशा लगी। और अगर मैं उपचुनाव की बात करता हूं, उपचुनाव है, जी हां, यूपी में 2 सीटों पर, जैसा कि हमने बात की थी, 2 सीटों पर चुनाव हुए, उपचुनाव हुए कैराना और नूरपुर, दोनों सीटों पर बीजेपी को हार हुई। और इतना ही नहीं, बिहार में उपचुनाव हुए, वहां पर बीजेपी को हार लगी। यानी कि जिस तरह से अब धीरे धीरे बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि 2019 में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और हो सकता है ये बदलाव अब मोदी सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़े। लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी कि आखिरकार क्या वक्त रहते हैं मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले लेगी या फिर 2019 का रुख कुछ और ही होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, कि लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा और किस तरह से वोटर्स को लुभाने की उन्होंने बात कही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाइयों बहनों, ये चुनाव
कौन एमएलए बने, कौन एमएलए न बने, कौन सा दल जीते, कौन सा दल न जीते, किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, इतने सीमित उद्देश्य के लिए चुनाव नहीं है। यहां के किसानों का भाग्य कौन बदलेगा, यहां माताओं बहनों को सुरक्षा कौन देगा, यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कौन करेगा, इसका निर्णय करने के लिए ये चुनाव है भाइयों बहनों। और इसलिए ये चुनाव एक प्रकार से कांग्रेस के कारनामों के खिलाफ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं के बीच एक स्पर्धा का चुनाव है। एक तरफ विकास को समर्पित भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ विकास का हर कदम विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तब दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए जो भी करना पड़े करो, वो पार्टी चुनाव के मैदान में है। तो ये तो रहे चुनाव की बातें, क्योंकि चुनाव को लेकर जिस तरह से एक तरफ पीएम मोदी बहुत ज्यादा जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं और वहीं अमित शाह, जी हाँ, जिन्हें रणनीतिकार कहा जाता है, वो भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों की और मोदी सरकार की, यानी कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियां अब धीरे धीरे मजबूती की स्थिति में नजर आनी है, और ऐसे में एक बड़ा गेम जो है बीजेपी की तरफ से खेला जा सकता है, उससे कितना फायदा होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक रिपोर्ट में आपको और दिखाता हूं कि विपक्षी पार्टियों की, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस की क्या रणनीति है 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हां, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2019 का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी काफी कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात में कांग्रेस प्रदर्शन पर राहुल गांधी काफी खुश हुए थे, लेकिन वो ये जानते हैं कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को जीत के करीब लाने वाले नेता कांग्रेस के नहीं थे, बल्कि बीजेपी विरोधी वो नेता थे जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। राहुल गांधी को ऐसे नेता के साथ हर राज्य में चाहिए जहां पर उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह से है जो इस तरह के खेल में माहिर है। साल 2018 चुनाव का मौसम लेकर आया है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कर्नाटक और साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। चुनाव वाले राज्यों में से तीन में कांग्रेस की सरकार है, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। कांग्रेस को इन राज्यों में अपनी सरकार बचानी है, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में सेंधमारी करनी है। पर जिस लाभ लश्कर के साथ बीजेपी चुनाव में उतरती है, क्या वो कांग्रेस के पास है? इस साल देश भर में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मार्च तक चुनाव होंगे, जबकि मिजोरम में नवंबर में चुनाव की खबर है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक में अप्रैल या मई में चुनाव होंगे, जबकि हिंदी बेल्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल के अंत तक चुनाव होंगे। कांग्रेस को अपना गढ़ तो बचाना ही है, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों के गुस्से की वजह से बड़े असंतोष का फायदा उठाना है। मेघालय में अभी मुकुल संगमा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। 60 सीटों के इस चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया है। वहीं त्रिपुरा में वामपंथियों का गढ़ है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर कब्जा करना चाहती है। क्या राहुल गांधी को त्रिपुरा में वामपंथ का साथ मिलेगा? एक तरफ जहां कांग्रेस कर्नाटक में अपने आखिरी सियासी किले को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वहां कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर राज्य सरकार उखाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। कर्नाटक में इस साल के आखिर में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल वहां कांटे की टक्कर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगा पाएगी सेंध? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ की सरकारों को लेकर असंतोष काफी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोप की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ काफी असंतोष देखा जा रहा है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस तभी फायदा उठा पाएगी जब वो इन राज्यों इकाइयों में गुटबाजी खत्म कर दे।
आपको बता दें कि 2019 में जल्दी लोकसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में कांग्रेस हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि वो चुनाव जीत सके। इसी के तहत राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपनी टीम के सदस्यों को लाना चाहते हैं। 25 सदस्य इस समिति में कई युवा नेताओं की नियुक्ति की खबर है। बताया जा रहा है कि उनकी टीम में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरे शामिल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराने गार्ड के बीच कुछ युवा नेताओं के लिए रास्ता बनाना होगा, आपको बता दें। लेकिन अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि वो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो देखा आपने कि विपक्षी पार्टी की, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं। तो वाकई में देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करता हूं, लोकसभा चुनाव बहुत अहमियत रखता है और अगर इस चुनाव में मोदी सरकार की पराजय होती है तो वाकई में बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार को लगेगा और विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन जैसा कि हम रणनीतिकार बता रहे हैं अमित शाह को, वो इस तरह की रणनीतियां बनाते हैं कि विपक्षी पार्टियां भी उसमें ढेर हो जाती हैं। तो रणनीति देखने को मिल रही है, क्या रणनीति है वो सबके सामने है। अब देखने वाली बात तो ये होगी, क्या इन रणनीतियों से अमित शाह को आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा, क्या इससे मोदी सरकार को बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर, देखिए 4 साल का कार्यकाल तो हो चुका है लेकिन आखिरकार विकास कितना हुआ है और कितना काम हुआ है, ये बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देश में सबसे बड़ा मुद्दा रहा बेरोजगारी का, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने क्या काम किया, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2014 की, तो 2014 में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात की थी मोदी सरकार ने, लेकिन आज करोड़ तो छोड़िए, लाख भी नहीं, जी हाँ, हजार लोगों के पास भी नौकरियां नहीं हैं। जिनके पास डिग्रियां तो मौजूद हैं, हुनर तो मौजूद है, लेकिन आज भी वो नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो ऐसे में एक वायदा तो मोदी सरकार ने ये पूरा नहीं किया। बात करते हैं अब किसानों के मुद्दे को लेकर, तो किसानों का भी मुद्दा ऐसा देखने को मिला, जिस तरह से किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार उनकी बात मानने को राजी नहीं है। तो इस तरह के और मुद्दे हैं जिससे मोदी सरकार को झटका लग सकता है। देखिए वक्त बहुत कम बचा है और अब ये तय करना है मोदी सरकार को आखिरकार काम कैसे करना है और कितना करना है या नहीं, ये तय करेगी मोदी सरकार। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।